हल्के असम्बली महेश्वरम के इलाके जिललगुड़ा में कांग्रेस पार्टी की जानिब से युवा बहरी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मुख्तलिफ यूथ लीडर व कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस दौरान महाकोटमी सबिता इंदिरा रेड्डी, चेवल्डा पार्लियामेंट इंचार्ज कार्तिक रेड्डी, साबिका रुकने पार्लियमान रविंदर नायक, कांग्रेस यूथ प्रेसिडेंट हल्के महेश्वरम कामेश के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सबिता इंदिरा रेड्डी ने जलसे से मुखातिब होते हुए कहा कि टीआरएस पार्टी उम्मीदवार ने हल्के महेश्वरम के लिए मख्तस करदा फंड्स का सही तौर से इस्तेमाल नहीं किया, जिसके बायस अवाम उन्नास को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की और इधारे इत्मीनान करते हुए सबिता इंदिरा रेड्डी ने आने वाले इंतखाबात में अपनी जीत को यकीनी करार दिया है। मैं जो एक चीज बताता हूँ, कृष्णा रेड्डी के कोई मुसलमान भाई काम के लिए गया तो क्या बोला हूं? ये बोला, आप मेरे को कोई वोट नहीं दिए, मैं आपको कौन सा भी काम नहीं करता। बोला या नहीं बोला? बोला तो है माय फ्रेंड्स, आपके कोई वोट नहीं आया, आपका मेरा कोई वोट नहीं आया, मैं आपका काम नहीं करता बोल के बोला। यहाँ के आपके एमएलए साहब, मैं पूछता हूं, जब हमारे एक पूरा मुसलमान एरिया ने 1 लाख का काम नहीं करा, एक कच्ची नहीं आपके नाम पे 5 साल में, हम कहे को वोट दे, हम कहे को वोट दे। और एक बात सुनिए, यहाँ के पहले साहब को ना आपकी मदद से इज्जत है, मुसलमानों से छिड़ो के इनको, हमारे मुसलमान भाई जब वहां पे साई नगर के गए कब्रिस्तान के मसाए लेके, तो क्या बोला कृष्णा रेड्डी? हमारे कहने हिंदू भाई हम लोग जला देते, आप घबराने के लिए हमारे जगह नहीं है, आप जलाओ। बोलेगा नहीं बोला? ऐसे इंसान को, ऐसी शख्सियत को मुसलमान अपना वोट देगा? मैं पूछता हूँ, हम दफनाए हमारे क्या क्या नाम करेंगे? आपको तो हमारे वोटों से दफना देंगे, हमारी बाधाएं जवाब देंगे। टीआरएस पार्टी और बीजेपी का ताल्लुक समझो, ये 4.5 साल में पार्लियामेंट में कभी भी किसी की चीज की तारीफ करना हो तो टीआरएस पार्टी तारीफ की किसकी? बीजेपी। डिमोनिटाइजेशन वोट किया बीजेपी को, जीएसटी का वोट किया बीजेपी को, वाइस प्रेसिडेंट का वोट किया बीजेपी को, प्रेसिडेंट का वोट किया बीजेपी को। भाई साहब, भाई और बहन हैं समझो, अगर आप वोट देंगे टीआरएस पार्टी को वोट जाएगा सुना कहां? बीजेपी को जाएगा। आप जान, आप और एक बार प्राइम मिनिस्टर मोदी को बनाना चाहते हो, अगर तुम मोदी को बनाना चाहते हो तो वोट आप टीआरएस को देना, अगर मोदी को कच्ची से निकालना हो तो आप कांग्रेस पार्टी के साथ आना मेरे भाई। ये बात कहते हुए
बैठे हैं।